दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें वुडमो वैबसाइट के बारे दसना चाहूंगा जी एक बड़ी वधिया वैबसाइट है लाइक उन्होंने काफ़ी वीड्डी कैटलॉग है जिते कि तुम छोटी गड्डी तो लग के लग्जरी गड्डी तक जरा स्पेयर पार्ट आप बाय कर सकते हो। सारों वधिया गल की है कि तुम उन्होंने वैबसाइट या एप्लीकेशन से जाओ तो सर्च करो जो पार्ट थोड़ा चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज उत्ते अवेलेबल मिलेगा तो तुम उन्होंने बाय कर सकते हो लाइक। तो फिर की है कि थोड़ा जो पार्ट नहीं पसंद आता तो विद इन 10 डेज उन्होंने वापस भी कर सकते हो जो पैसे ने वापस भी वह मिल जाएंगे। तो बाकी जरा कि iOS ते जाने वैबसाइट जाने एंड्रॉयड उत्ते सारे उत्ते अवेलेबल आ ते तुसी जाके उत्ते सर्च करके उन्हों चेक जरूर करो। ते हुण आपां करदे आ वीडियो शुरू ते तुहानू दिखाउने आ अज्ज दा। हाँ जी भी दोस्तों की हाल चाल ने, उम्मीद आ सारे वधिया होंगे जिवें कि थोड़े बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम ते मैसेज ते कमेंट्स भी आ रहे थे कि लाइक 2020 जी थार आई है नवी महिंद्रा दी, उहदी तुसी डिटेल नहीं दे रहे। भाई मैं बिजी सी थोड़ा तां करके नहीं दे पाया। तो अज क्रिएटिव व्हील्स अमृतसर मैं पहुंचा हुआ जिन्हों को कि लॉयल चीज चेंज करवाने वास्ते थार पहुंची हुई है। वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर चुके हैं पर फिर भी मैं सर कहूँगा सर थोड़ी तुम पहला नवे व्यूवर्स को अपने बारे खुद थोड़ा दस दौ थोड़े कि लॉयल से की कुछ मिल जाता है। भाई ये नवी 2020 थार आई है नवी वीरे तो इनू बाई स्टॉक व्हील आता 18 इंच इनू तुम 20x22 इंच 24 इंच तक व्हील पा सकते जो अपने को अवेलेबल होंगे सारे व्हील। बाकी एक तुम अभी अंदर दिखावे भी इन्होंने कड़े स्टाइल से सारा कुछ। वैसे तो मतलब व्डिया गड्डियों भी डील करते हैं सारियां 24 इंच तक लॉय भी इन्होंने स्टॉक में काफ़ी पे होंगे जैसे पहला वीडियो दिखाता रहा। अच्छे थोड़ा सिर्फ अभी थार के उत्ते वीडियो देवे तो थोड़ा दिखाने कि उन्होंने कड़े लॉय आए आने के पिछले कड़े टायर आने की अपग्रेड कर सकते हैं। ब्लॉग सारा ध्यान में देखो जैसे गड्डी के रिव्यूज भी मैं थोड़े दूंगा भी किमें की हैगी है क्योंकि मैं वीडियो की थार 2020 थार दी तक तुम्हें वीडियो नहीं सी दी। तो आप करते हैं वीडियो शुरू दाले दिखाने भाई। ये जी 2020 नवी मशीन आई है थार थोनू अज अं दिखा रहे हैं। भाई मैं चाहना पहला थोड़े रिव्यू दे दो भी थोड़ा किमें लगी क्योंकि थारा पहला भी चला रहे हो तो यह थार थोड़ा की डिफरेंस लग्या अगे नो काफ़ी भाजी इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दी सस्पेंशन वाइज भी अंदर इंटीरियर वाइज भी। जो आप गल करिए हैंडल वगैरह भी सिंपल था पूरा ओवरऑल जो व्यू है थोड़ा एक वीडियो वक्री दे दी जाऊगी बट अज लॉय व्यूज से अभी ज़्यादा बना रहे हैं बाकी फिर भी थोड़ा अंदरों दिखा दिना है। जो पूरा पूरा डैशबोर्ड वगैरह इंटीरियर पूरा चेंज है तो बड़ा लग्जरी फील ये आँदी है लाइक गड्डी में तुम देख सकते हो। ये 4x4 तो मैनुअल भी आँदी है तो ऑटोमैटिक भी ये अवेलेबल है उन्होंने वेरियंट ये डीजल वेरियंट है स्टेयरिंग भी ये कंट्रोल वगैरह सारे दे दिए गए हैं। तो पहला जो इन टायर आँदा वैसे इन जो लॉय व्हील्स ने पिछों ही आ गए ये 16 इंच 18 इंच लॉय आँदा है पिछों। तो यह जो टायर इस टाइम ये उत्ते चढ़िया हुआ यह हैगा 255/65R18 ये 18 इंच लॉय है तो उपर लॉय नहीं दे रही कंपनी तो छोटा 16 इंच आँदा है। तो बाकी यह काफ़ी वधिया डिजाइन है पर इन अपग्रेड भी मोस्टली असं करते हैं क्योंकि तुम वेख जाओ कि काफ़ी ज़्यादा टायर जो अपग्रेडेशन चलती रहती है। यदि साइड लुक इदा की है ये हार्ड टॉप के बाई ने ली है ये सैमी हार्ड भी आँदा है तो ये ना 4 वेरियंट आते हैं लाइक 4 भी तुम कह सकते हो 3 डीजल में आते हैं तो 4 पेट्रोल के आते हैं एक पूरा लग्जरी है तो एक सैमी आ जाता है। तो 4 सीटर ज़्यादा वधिया इनू कहे कहते हैं 4 सीटा ही दिखाई होंगे 5 नहीं दी हुई। जिस समय पहले ने सारे ने वीडियो देखी होनी है सारे सर को सैटअप लग्या हुआ इन्हों का शोरूम है तो सारे तरह के इन्हों को लॉय व्हील्स टायर इतने अवेलेबल होंगे है तो इतों वैसे शुरू हो जाए छोटे गड्डिया भी थोड़ा मिल जाए पर ये 17 इंच लॉय व्हील्स है क्रेटा क्रूटा ली या ब्रीजा ली तो बाकी उसको अपसाइज करना हो 18 इंच लॉय व्हील्स लगे सारे। बाकी तुम दस रहे हो काफ़ी ज़्यादा वरायटी है आप डिस्कशन कर चुके हैं वीडियोज़ पाई हुई ने अज आप थार दे कर रहे हैं तो वैसे ये बाकी इन्हें स्टॉक है सिर्फ तुम्हें दिखा रहे हैं कि हरेक गड्डी के थोड़ा लॉय व्हील्स इतों मिल जाएंगे हरेक साइज़ के लाइक तुम किसी भी इंचज थोड़ा चाहिए होने वो मिल सकते हैं। फिलहाल जो अज वाला साडा सैगमेंट है सारा इधर पिया है दोस्तों वैसे तो 18 इंच तो शुरू हो जाते हैं तो तुम देख सकते हो वरायटी सर ने ला के जेडे कि थोड़ा टाइम थोड़ा ना वेस्ट हो चैक भी करवा देंगे ने। सर हम मैंने पहले ये दसो तुम भी अज जी थार अपने को पा के देने चाहते हैं कि चल बाई स्टॉक भाजी 18 इंच आया व्हील सो आप अज 20 इंच पा के देख लगे हैं तो ज 22 इंच पा के देख लगे जोड़ा सूट करता है फिट कर देंगे गड्डी ठीक है ये तुम देख सकते हो इन्होंने को हरेक टाइप के लाइक लॉयज वगैरह अवेलेबल होंगे थार नवे डिजाइन आ चुके हैं जिम्मे ये देख सकते हो बिते ये थोड़ा एमटी टायर के नाल है गुट्टी भी ये चाहिए कोई थार गुट्टी भी चाहिए होंगी जो ऑफरोड वगैरह करते हैं उन्होंने वधिया जिन्हें बाकी शौक वास्ते भी टायर बहुत वधिया लो प्रोफाइल लाइक चलते हैं तो ये लॉय भी चैक कर सकते हो कि जबरदस्त लॉय है। तो फिर अगले बने इधर 18 के भी इन्होंने को काफ़ी वरायटी पई है तुम देख सकते हो 18 हो गया 20 हो गया तो वह भी तुम चैक कर सकते हो मतलब तुम अपनी मर्जी नाल किसी टाइप का भी लॉय जो पसंद है तुम पवा सकते हो। बाकी इधर तुम देख सकते हो होर फिर इन्होंने को इधर 24 इंच के भी अवेलेबल है बट ये कि जिदा ये थोड़ी जी गड्डी पहुँच प्रॉब्लम आँदी है तो वो अपलिफ्ट करके भी पै जाते हैं
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਾਇਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਇਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਈਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਮ ਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। अठारह इंची है जी स्टॉक टायर, तो इनू अं 22 इंची पा के दिखाया वा, तो एक 20 इंच पा के दिखाया वा। हुण तुसीं इह देख सकते हो 22 इंची लॉय की गैटअप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। तो सर मैं एक गल होर पुछनी चाहुंदा है, इहनू स्पेसर वगैरह की भी लोड़ पैंदी कि नहीं? नहीं, पहला पुरानी थार नू सर लोड़ पैंदी नहीं स्पेसर की, हुण नवीं थार दे विच उन्होंने हब चेंज करती, उन्हूं कोई भी व्हील पा सकते आपां। तुसीं देख सकते हो कितनी सोहनी गैटअप है, 22 इंची लॉय इहनू लग्या होया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਕ ਵਾਈਕ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੋਏ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ 285/40R/22/120, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਲਈ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 20 ਇੰਚ ਲੋਏ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਇੰਚ ਲੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦ ਐਮ ਟੀ ਟਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੈਟਅਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬਾਈ 305/50R/20 ਅਤੇ 120S। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਲਾਈਕ ਲੋਏ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਆਰਡਰ ਮੰਗਾ ਦਈਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਇੰਚੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਇੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰ ਚੌੜੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਈਡ ਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ 18 ਇੰਚੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਇਸ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 22, 18 ਅਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 24 ਇੰਚੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵੀਲ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਇੰਚੀ ਵੀਲ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ 22 ਸੀਗਾ, ਇਹ 24 ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 20 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ 24 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਬਸ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅੰਡੈਵਰ ਹੈ, ਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਇਹ 24 ਇੰਚੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਏ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, 24 ਇੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਇੰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡੈਵਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗੈਟਅਪ ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਈਕ ਪਰ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੌਵੀ ਇੰਚੀ, 20 ਇੰਚੀ ਅਤੇ 22 ਇੰਚੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੈਟਅਪ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਐਮ ਟੀ ਟਾਇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਏ ਵੀ ਸਟਾਇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੈਸੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਏ ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਦਾ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਹੌਟ ਸੈਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਰ ਹੈ ਲੋਏ ਦਾ 18 ਇੰਚ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ 18 ਇੰਚ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 30,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 45,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 18 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ 45,000
बट अदरवाइज जो किसी ने 20 इंच पाना हो 22 इंच पाना फिर अपना टेस्ट है वो क्वालिटी के वरायटी के हिसाब से किसी का 30,000 भी खर्चा आ जाता किसी का 60,000 भी किसी का लख लख सवा सवा लख भी 1.5 लाख रुपया भी बन जाता वो पर साइज 22 इंच 24 इंच तक गल पहुँच जाती है। वैसे जिदा नॉर्मली किसी ने 22 इंच या 24 इंच पाना है ठीक है तो 22 कह लो वैसे मोस्टली 22 लोग सजेस्ट करते हैं 20 करते हैं जी जी 20 का बजट मतलब कि अंदाजा जो किसी नॉर्मल से पाने 20 इंच का लख तो थले थले बनता मतलब 70,000 प्लस तो लख तो बन जाता है तो जो 22 इंच का वो काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे तो शेयर भी करो जो वधिया लगी है तो बाकी तुम मैनू भी इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नवी इदा की वीडियो लेके। होर बाय, टेक केयर।